सो हेलो मेरे दोस्त यार, कैसे हैं आप सब। नमस्ते वेलकम। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा जानकारी देने जा रहा हूँ हम लोगों का गेम का नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में। दोस्तों बंडल तो मैंने आप लोगों को शायद से पहले भी दिखा रखा है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा डायमंड रॉयल का इंटरफेस के साथ वो सारी चीजें दिखाने जा रहा हूँ। काफी मजा आप लोगों को आने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बात करने चाहेंगे नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बारे में। दोस्तों कौन कौन सा गन स्किन को निकालने के लिए आप लोगों को कितना कितना डायमंड लगेगा, कितने ब्लू प्रिंट एंड कितने एवोल्यूशन स्टोन आप लोगों को देने पड़ेंगे, उसके बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को वीडियो के अंदर से पता चल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर अपना नेक्स्ट बंडल कौन कौन से आने वाले, इसके बारे में भी आप लोगों को पूरा जानकारी इसी वीडियो के अंदर से मिल जाएगा। वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में। गाइस आपको एक अर्निंग ऐप के बारे में बताऊंगा जो है लूडो फैंटेसी, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन लूडो खेल के अर्न कर सकते हो। इस ऐप में आप कस्टम रूम क्रिएट कर सकते हो एंड इसका कोड देख के दोस्तों के साथ खेल सकते हो। इसमें वॉइस चैट भी है, मतलब खेलने के वक्त सबसे बात कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप यहाँ से डायमंड भी जीत सकते हो, इनके डायमंड सबसे खरीद भी सकते हो। अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप 20 में आते हो, आपको 20,000 से 60,000 रुपए तक जीतने का मौका मिलेगा। हर फ्राइडे 3 PM को टॉप 20 प्लेयर्स को यहाँ पे पैसा मिलता है। फर्स्ट विनर को 60,000, सेकंड विनर को 30,000 एंड थर्ड विनर को 10,000 मिलता है, बाकी प्लेयर्स को 2,000 मिलता है। आप अपने विनिंग अमाउंट को पेपाल से इजीली विड्रॉ कर सकते हो। इंटरेस्टिंग है ना। सो गाइस इस लॉकडाउन में बिल्कुल भी बोर मत होना, लूडो फैंटेसी ऐप डाउनलोड करो और 60,000 तक जीतने का चांस पाओ। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो दोस्तों वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में। लगभग ये चीज कंफर्म होकर आ चुका है। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये होने वाला है आप सभी लोगों का नेक्स्ट डायमंड रॉयल है। एंड इस वाले डायमंड रॉयल के अंदर आप लोग एक स्पेशल चीज भी देख सकते हो। यहाँ पर से आप लोगों को दो दो बंडल्स एक ही डायमंड रॉयल के अंदर दिया जा रहा है। एक तो फीमेल का बंडल हो गया जिसका नाम है रूबी ब्राइड बंडल, कुछ इस टाइप का वो आप लोगों को नजर आ जाता है। काफी शानदार सा बंडल है, काफी इंटरेस्टिंग सा बंडल ये है। एंड उसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस टाइप का मेल वाला बंडल। दोस्तों फीमेल वाला बंडल काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेल वाला बंडल उसके मुकाबले में बिल्कुल ज्यादा मुझे को अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को ये वाला बंडल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बता दीजिएगा। फीमेल के बंडल के अगर आप लोग देखोगे वो उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेल वाला बंडल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे को ये वाला बंडल अच्छा नहीं लगा। आप लोग ऑनेस्टली कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यही होने वाले हैं आप लोगों का नेक्स्ट डायमंड रॉयल है। मेरे ख्याल से इंडियन सर्वर में जब ये डायमंड रॉयल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तब आप लोगों को फीमेल का बंडल डायमंड रॉयल के अंदर दिया जा सकता है या फिर ना भी दिया सकता है, लेकिन मेल वाला जो बंडल है वो डायमंड रॉयल के अंदर पक्का दिया जाएगा। दोस्तों हमेशा हम लोगों को ऐसा लगता है कि गरना फ्री फायर क्या करता है, इंडियन सर्वर में कोई अच्छा चीज फ्री में नहीं देता है, बल्कि बाहर सर्वर के अंदर वही अच्छी अच्छी चीजें को फ्री में दे देता है। आप लोगों को उसका मैं उल्टा दिखाने वाला हूँ आज। याद है वो गोल्ड वाले का बंडल जो आप लोगों को इंडियन सर्वर में देखने के लिए मिला था, वो बंडल बाहर सर्वर में उन लोगों को डायमंड देकर के खरीदना पड़ेगा। दिखा देता हूँ सीन। लो देख लो गाइस, कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है फेडेड व्हील उनके सर्वर के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को अपना गोल्ड रॉयल जो हम लोगों को फ्री में मिला है। यार गोल्ड ही लगाना होता है, गोल्ड तो फ्री में मिल जाता है गेम खेलने पर, ठीक है। तो ये वाला बंडल उनके सर्वर के अंदर उन लोगों को डायमंड देकर के परचेज करना पड़ेगा। 1200-1300 डायमंड लग जाता है, आप लोगों को पता ही होगा एक फेडेड व्हील इवेंट के अंदर। एंड मेरे को काफी ज्यादा हंसी आ रहा है यार, हमारे सर्वर में ये चीज हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। सो यार कुछ कुछ चीजें हमारे सर्वर के अंदर रेयर होते हैं जो बाहर सर्वर के अंदर फ्री में दिया जाता है या फिर उतना ज्यादा रेयर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें बाहर सर्वर के अंदर रेयर होते हैं लेकिन इंडियन सर्वर के अंदर उसको फ्री में दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही गरना फ्री फायर अलग अलग सर्वर में वर्क करता है। मुझे पता है यार आप सभी लोगों को काफी ज्यादा खुशी मिली होगी जब आप लोगों ने ये देखा कि हम जो चीजें फ्री में ले रहे हैं उन चीजों को गरना फ्री फायर बाहर सर्वर के अंदर डायमंड देकर के लेगा। चलिए दोस्तों हमारे वीडियो के अंदर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बारे में। आप लोगों को मैंने बताता दिया था गेम के अंदर आप लोगों को M60 का इंक्यूबेटर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसका पूरा इंटरफेस आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं वीडियो के तौर पे आज। सो गाइस यार ये देख लीजिए आप लोग, गेम के अंदर नेक्स्ट आप लोगों को M60 का ही इंक्यूबेटर देखने के लिए मिलने जा रहा है। किस टाइप के वाला इंक्यूबेटर दिखते हैं आप लोग सबसे पहले तो वो देख लीजिए। एंड सबसे जो टॉप वाला गन है उसके अंदर ना आप लोगों को काफी मस्त वाला एनिमेशन तो देखने के लिए मिलता ही है। उसके साथ साथ जो एक गन का सबसे ज्यादा अच्छी बात होता है उसका एबिलिटी, तो इस वाले M60 के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है सिंगल डैमेज प्लस
डबल डैमेज प्लस, सिंगल लेटर पैर प्लस और उसके साथ साथ मैगजीन सिंगल माइनस हो रहा है इस वाले गन के अंदर। यार मेरे ख्याल से टॉप वाला गन का एबिलिटी एकदम ओपी है। और सेकंड टॉप वाले अगर हम लोग बात कर ले, इस वाले गन का एबिलिटी आप लोग को देखने के लिए मिलता है डबल लेटर पैर प्लस, उसके साथ साथ एक्यूरेसी सिंगल प्लस। जो चीज माइनस हो रहा है वो रिलोड स्पीड माइनस हो रहा है। शॉर्ट रेंज का गन अगर होता और उसके अंदर रिलोड स्पीड अगर माइनस होता तो मजा नहीं आता, लेकिन लॉन्ग रेंज का गन है और रिलोड माइनस हो रहा है वो चीज बिल्कुल मैटर नहीं करता है। थर्ड वाले गन की अगर हम लोग बात कर ले, इसके अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलता है डबल हेलमेट पेनिट्रेशन प्लस, सिंगल रेंज प्लस। और अगर हम लोग फोर्थ वाली गन की बात करें या फिर लास्ट वाली गन की बात करें, इसका भी एबिलिटी आप लोगों को काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। मेरे ख्याल से तो डैमेज सिंगल प्लस आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है बड़े आराम से, डबल रेंज प्लस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है बड़े आराम से, उसके साथ साथ मूवमेंट स्पीड भी सिंगल यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मस्त बैलेंस करके गरेना फ्री फायर ने इस वाले इंक्यूबेटर को बनाया है। दोस्तों याद रखिए M60 हम लोग को बहुत टाइम के पहले गन स्किन देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन इनक्यूबेटर हम लोग को पहली बार गेम के अंदर देखने के लिए मिल रहा है M60 का, और इसके अंदर हम लोग को मस्त मस्त एबिलिटी भी देखने के लिए मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये वाला इनक्यूबेटर मस्त है यार। अगर आप लोग इसके अंदर पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे आप लोग वेट भी कर सकते हो, 2-3 दिन के बाद तो इनक्यूबेटर आ ही जाएगा गेम के अंदर। लेकिन आप लोग अगर वेट करना चाहो, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा आजकल गरेना फ्री फायर वाले क्या कर रहे हैं, इनक्यूबेटर के ऊपर 50% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वेट करना चाहो वेट भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग का पैसा थोड़ा बच जाएगा उस टाइम अगर आप लोग थोड़ा लेट में निकाले ना 50% डिस्काउंट के साथ, पैसा बहुत ज्यादा बचने वाला है यार। आप लोगों का फायदे की बात कर रहा हूं मैं। बाकी गन्स तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोगों को ये सारे गन्स कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, ऐसे ही मस्त मस्त इवेंट्स एंड अपडेट्स का न्यूज लेकर के मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं, वो भी डेली। अगर आप लोगों को डेली हमारा वीडियो देखना है, आप लोग चाहते हो हमारे वीडियो को कभी भी मिस नहीं करने का, तो यार हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ साइड वाला बेल आइकन को भी ऑल पे डाल दीजिएगा। ये करने से आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो वीडियो हम लोग डेली डालते हैं। तो गाइस स्क्रीन के ऊपर आप लोग एक बंडल देख लीजिए, इसका हेयर स्टाइल काफी ज्यादा मस्त है, उसके बाद इसका आंखों के ऊपर भी एक स्किन चढ़ा हुआ है, ठीक है, भूतों जैसा। उसके बाद यार आप लोगों को इसका टॉप वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से वाला बंडल अच्छा तो है, उतना भी ज्यादा ओपी लेवल का नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है, तो ठीक ठाक सा बंडल है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला बंडल को गरेना फ्री फायर वाले हो सकता है आने वाले टाइम के ऊपर मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर डाल दे। वैसे ये वाला बंडल आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अभी जाओ और कमेंट करके बताओ यार बंडल आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। टाइम आ चुका है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इस टाइम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं। वैसे जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, डेली हम लोग डालते हैं कि रात के 12 बजे के बाद आप लोगों को फ्री फायर के अंदर कोई से भी न्यू इवेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है उसका इन्फॉर्मेशन इसी टाइम के ऊपर। अगर आप लोगों को हमारा डेली वीडियो देखना है, अगर आप लोगों को डेली जानकारी चाहिए कि आज रात के 12 बजे के बाद कौन सा इवेंट आएगा, आज रात के 12 बजे के बाद फ्री फायर में कौन सा अपडेट आएगा, तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल देना, डेली इसी टाइम पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। हम डेली वीडियो डालते हैं, कभी भी मिस नहीं करते। तो दोस्तों आज रात के 12 बजे के बाद गेम के अंदर आप लोगों को 30% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा अपने वेपन रॉयल के ऊपर। आप लोगों को पता ही होगा काफी मस्त वाला पाराफेल का स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा था वेपन रॉयल के ऊपर। वैसे ज्यादातर तो बंदे वेपन रॉयल और डायमंड रॉयल के अंदर डायमंड नहीं लगाते हैं जितना तक मुझे पता है, लोग इसमें सीधा सीधा वाउचर यूज करते हैं, लेकिन अगर आप लोग को लेना है आप लोग ले सकते हो। फिटी रॉयल तो कल का इवेंट था, बाकी यार मेरे ख्याल से आजाद के 12 बजे के बाद आप लोगों को कोई से भी और नया इवेंट और न्यू अपडेट देखने के लिए नहीं मिल रहा है इसके अलावा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मुझे होप है कि ये वाला वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी ना किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से करते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो।